वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी आज की वीडियो होने वाला है और एक मेकअप लुक के ऊपर। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ ऑल आर फ्रॉम Amazon। Amazon पे 23rd of December से स्टार्ट होने वाला है इन ऑफ सीजन सेल, जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेंगे, ऑल्सो फास्टेस्ट डिलीवरी आपको मिल जाते हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स आपको वन डे प्राइम डिलीवरी में भी मिल जाते हैं, जो सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ही आपके पास पहुंच जाता है। ऑल्सो फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ साथ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो ह्यूज डिस्काउंट मिलते हैं। Amazon पे विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए उनकी एंड ऑफ सीजन सेल एंड ढेर सारा शॉपिंग कीजिए। आज की मेकअप लुक एक बजट फ्रेंडली स्टाइलिश मेकअप होने वाला है, सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की मेकअप। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ Mamaearth Aqua Gel फेस मॉइस्चराइजर, इसको मैं फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मैंने Lakme लिप लव लिप बम यूज किया है। आज मैंने यूज़ किया है फेसेस कनाडा की एक फाउंडेशन, आई फॉरगॉट द नेम बट द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डोंट फॉरगेट टू चेक दम आउट। इसका जो शेड है वो है बेज, आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क हो गया है मेरी शेड से, बट ठीक है, नो इशू विद दैट। बट ये जो फाउंडेशन है ना, ओ माई गॉड, दिस विल गिव यू अ स्किन लाइक टेक्स्चर। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये वाला फाउंडेशन, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव ट्राइड, और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी टू यूज़ द प्रोडक्ट एंड ट्राई इट आउट। नेक्स्ट फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग विट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनी। मैंने मेरी डार्क सर्कल पे एंड आइज के ऊपर अप्लाई किया है कंसीलर को, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यू कैन यूज अ ब्रश, आई थिंक ब्रश ज़्यादा बेहतर होता है ब्लेंडर से, क्योंकि ब्रश से बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है कंसीलर। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है माई ग्लैम बनाना पाउडर। एक्चुअली आज मैंने बहुत नया आइटम्स ट्राई किया है Amazon से, Amazon पे अभी चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलते हैं, फास्ट डिलीवरी के साथ साथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद मैंने यूज़ किया है फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज़ इन द शेड 330 विच इज़ द डार्केस्ट शेड एज पर आई नो, एंड इसको मैंने यूज़ किया है टू ब्रॉन्ज माई फेस। बहुत ही हल्के से मैंने फेस को एक स्ट्रक्चर दिया है। एंड नेक्स्ट आई हैव यूज्ड माई ग्लैम ब्लश डुओ एंड यू कैन सी माई रिएक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई रियली रियली लव। तो मैंने मेरी फेस पे ब्लश अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने जो कंसीलर मैंने यूज़ किया था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और बनाना पाउडर अप्लाई किया है टू सेट माई कंसीलर। कलर बार ब्राउ क्रेयॉन मैंने यूज़ किया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज वाइल डूइंग योर आईब्रो विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज पिगमेंटेड आईब्रो हो जाएगा। आज मैंने यूज़ किया है NK का ये वाला शुगर पम्प आई शेडो, बट ये ना उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक ठाक है इसका पिगमेंटेशन। सबसे पहले मैंने पिंक शिमरी शेड को मेरी आईलिड के ऊपर प्लेस कर दिया है हाफ ऑफ द आईलिड तक, और जो उसकी एजेस है उसको मैंने ब्लेंड आउट किया है यूजिंग डार्कर पिंक शेड, और बाद में मैंने डार्क पिंक शेड को थोड़ा सा और एक लाइट पिंक शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया था। उसके बाद मैंने शिमर को और एक बार यूज़ किया है, एंड देन मैंने यूज़ किया है शुगर ब्राउन कलर की काजल, और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। मस्कारा यूज़ करने के बाद मैंने एक व्हाइट कलर की काजल यूज़ किया है ऑन माई वाटर लाइन। मैंने आज स्विस ब्यूटी का काजल यूज़ किया है। काजल यूज़ करने के बाद मैंने पिंक शेड को अच्छे से लोअर लैश लाइन पे अप्लाई भी किया था, और मस्कारा से कोट भी किया था मेरी लोअर लैशेस को। उसके बाद मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम हाईलाइटर डुओ पैलेट से हाईलाइटर को, एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन ऑफ द हाईलाइटर, दिस इज़ वाओ, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर फेस आपको मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है हाईलाइटर, एंड आई रियली रियली लव्ड इट। बट अनफॉर्चुनेटली हाईलाइटर पूरा ब्रोकन मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं उसको अभी रिप्लेस कर लूँगी और मैं एक नया ले लूँगी, बट आई रियली रियली लव द प्रोडक्ट, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू गाइज। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम लिक्विड लिपस्टिक्स, एंड ओ माई गॉड, आई एब्सोल्युटली लव द शेड। मैंने यहाँ पे दोनों शेड लिए हैं, एंड शेड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी लिंक्स के साथ, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये मेरी लिप्स को एकदम ड्राई आउट नहीं कर रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वन लिपस्टिक फ्रॉम देयर रेंज, आई रियली रियली लव्ड इट, एंड दैट्स अबाउट माई टुडेज मेकअप, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। आप इस लुक के साथ इंडियन वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर कैरी कर सकते हो। सो गाइज दैट्स अबाउट माई टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वाला मेकअप लुक पसंद आया है। आज मैंने एकदम बोल्ड
लिपस्टिक यूज किया है एंड ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। माई ग्लैम लिपस्टिक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड दीज आर सो अफोर्डेबल। आई रियली रियली लाइक द कलर एंड लाइक द फॉर्मूला। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट पे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आप नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, या फिर अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगी और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।